वैलेंटाइन डे के लिए सच चुका है बाजार। ऑफर्स की लगी है भरमार। गिफ्ट के ऑप्शंस हैं हजार। वैलेंटाइन टूरिज्म में आ गई बहार। वैलेंटाइन सेलिब्रेशन का भी बदल गया अंदाज। इस बार वैलेंटाइन डे वीकेंड में होने से टूरिज्म कंपनियों की हो गई है चांदी, क्योंकि ज्यादातर लोग शहर से बाहर वैलेंटाइन डे मनाना पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी शहर से बाहर वैलेंटाइन डे मनाने की सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं वैलेंटाइन डे के लिए हॉट डेस्टिनेशंस। अगर वैलेंटाइन डे पर आप अपने वैलेंटाइन को किसी ऐसी जगह लेकर जाना चाहते हैं जहाँ आप दोनों एक एक पल एक साथ बिताएं, तो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस जहां आप अपने वैलेंटाइन डे को मना सकते हैं बेहद खास। जी हां, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आप विदेश में भी अपने करीबियों के साथ कम खर्च में कीमती वक्त बिता सकते हैं। देखिए, वैलेंटाइन डे हो या किसी की सेलिब्रेशन हो, एनिवर्सरी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, छुट्टियाँ हो, तो बहुत सारे लोग दिल्ली से या जहाँ पर भी रहते हैं, बॉम्बे कहीं पे भी, अपने घर से बाहर जाके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के पैकेज में आप आगरा, जयपुर, शिमला, मसूरी, नैनीताल और कसौली जैसी जगहों का टूर बना सकते हैं। वहीं 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक के पैकेज में आप बैंकॉक, थाईलैंड और सिंगापुर घूम सकते हैं। 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए के पैकेज में आप वेनिस, स्पेन और मॉरिशस भी जा सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा हो तो आप 1,50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक क्रूज टूरिंग भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये टूर पैकेज आम टूर पैकेज से थोड़े अलग होते हैं। इसमें कपल्स को प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। होटल के रूम्स को खास अंदाज में सजाया जाता है। वाइन और शैंपेन से वेलकम किया जाता है। तो नॉर्मली पैकेजेस तो हमारे वही हैं, जगहें तो बदल नहीं, सिर्फ ये है कि एनिवर्सरी पे और वैलेंटाइन डे पे हम थोड़ा एक स्पेशल वाइन बॉटल भेज दी रूम में, हैप्पी वैलेंटाइन डे के कार्ड और केक के साथ भेज दिया, या चॉकलेट्स भेज दी, या कोई यू नो मेक इट अ लिटिल मोर रोमांटिक। इसलिए वैलेंटाइन डे के खास मौके पर लोग बड़ी संख्या में टूर पैकेज अवेल करते हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा होता है ट्रैवल एजेंटों का। वैलेंटाइन वीक में ट्रैवल एजेंट्स का बिजनेस 20 से 30% तक बढ़ जाता है। अंकिता चतुर्वेदी, P7 न्यूज, दिल्ली। तो बिजनेस 7 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए P7 न्यूज।